एनिवर्सरी का केक लेने के लिए हम लोग आए हुए हैं मियोमोर। मियोमोर का मतलब माई लव होता है। और यहाँ से हम लोग केक वगैरह लेंगे अपना एनिवर्सरी का। एक्चुअली पहले ही हम लोग पैक वगैरह करवा चुके थे दोपहर में आके, बस फाइनली उसको लेना था। और देख सकते हैं तरह तरह का केक वगैरह रहता है यहाँ पे। और काफ़ी मतलब इसका केक जो है सबसे टेस्टी केक होता है। हमारा फाइनल केक आ चुका है, एनिवर्सरी केक। और ये केक जो है एक मेरे फ्रेंड की तरफ से है, बिकॉज वो आ नहीं सका, शादी में भी नहीं आ सका था और एनिवर्सरी में, फर्स्ट एनिवर्सरी में भी नहीं आ सका था, इसलिए वो केक हम दोनों को गिफ्ट किया है। एक्चुअली वो रहता है न्यूजीलैंड में, हम दोनों एक साथ ही काम करते थे यहीं कोलकाता में, तो वो शेफ है, तो इसलिए वो न्यूजीलैंड में भी गया हुआ है, वहीं पे जॉब वगैरह करता है। देन अगला केक जो है वो पापा की तरफ से था हम दोनों के लिए गिफ्ट। ये केक भी चॉकलेट केक ही है, बिकॉज हम दोनों को चॉकलेट केक बहुत ही पसंद है, मतलब इतना फेवरेट है हम लोग के लिए चॉकलेट की क्या ही बताएं। और इसलिए हम लोग जब भी कभी बाहर जाते हैं तो केक वगैरह खाना रहता है तो केक चॉकलेट केक ही खाते हैं। देन वहाँ से केक वगैरह लेने के बाद एक अंकल के दुकान पे गए, जहाँ पे बच्चों के लिए चॉकलेट वगैरह लेना था, चॉकलेट एंड कोल्ड ड्रिंक्स, तो चॉकलेट एंड कोल्ड ड्रिंक्स लिए। और ज़्यादा कुछ अरेंजमेंट हो नहीं पाया था, बिकॉज यही रीज़न है कि घर में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, जिस वजह से हम लोग ज़्यादा अरेंजमेंट नहीं किए, बहुत ज़्यादा धूमधाम से नहीं कर पाए। छोटा सा ही सेलिब्रेशन हुआ है घर पे, एंड देखते हैं अगले नेक्स्ट ईयर या अगले 5 सालों में कुछ अगर बेटर बेटर एक तरीके से हो तो अच्छा रहेगा। कांग्रेस की बौखलाहट इस हद तक पहुंच गई कि नीतीश कुमार ने माथा दिया है तस्वीरों पर, तो अजीब बयान दे रहे हैं। एक बार कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को सुनिए, फिर आपको बताऊंगा कि नीतीश कुमार के ऐसी बातें और कांग्रेस देखा नहीं जा रहा कि नीतीश कुमार मजबूती के साथ नरेंद्र मोदी के साथ खड़े। नीतीश कुमार ने देश की सेवा की और आगे पूरा करें। नीतीश कुमार का ये बयान ये प्रधानमंत्री है और फिर प्रधानमंत्री होने जा रहे हैं और उन्होंने पूरे देश की सेवा की, पूरा भरोसा है कि जो कुछ भी बचा है अगली बार ये सब पूरा कर देंगे। जो भी हर राज्य का है, नीतीश कुमार नहीं, एनडीए का मजबूती से खड़ा दिख रहा है, इसलिए एनडीए गठबंधन अगर अपने लिए कोई मौका देख रहा है तो उसके लिए बहुत बड़ा चर्चा। जहां तक पैर छूने की बात है तो एलजेपी के नेता चिराग पासवान ने भी नरेंद्र मोदी के पैर छुए। पीएम मोदी ने चिराग को आशीर्वाद दिया, गले लगाया, शुभकामनाएं दी। ऐसी तस्वीरों ने इस धारणा को और मजबूती दे दी कि नरेंद्र मोदी को एनडीए सहयोगियों का पूरा समर्थन है और सरकार चलाने में ज्यादा दिक्कत नहीं है। आज बैठक में एनडीए के कई दलों के नेताओं ने सबके सामने ये फिर क्लियर कर दिया कि नरेंद्र मोदी का नेतृत्व मंजूर है, तो मजबूती से नरेंद्र मोदी के साथ है। एक बार एनडीए के नेताओं को सुनिए, फिर दिखाऊंगा मोदी योगी की वो तस्वीर दोनों तरफ से जो यूपी को लेकर बड़ा मैसेज दे रही है। ये झूठे और झूठी अफवाहें फैलाने वाले को देश की जनता ने नकारा है और प्रधानमंत्री को छुटकारा है। बाला ठाकरे जी के रूप में जोड़ है नहीं हो पाया नहीं लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पूरा के साथ आपके पीछे और आपके साथ।
एनडीए गठबंधन जो और एक बार लगाए जिस तरह से कांग्रेस अरे लगा उसी तरह से कांग्रेस कांग्रेस नेता भूपेश बघेल बोल रहे हैं कि योगी की कुर्सी डगमगा रही है। पवन खेड़ा कह रहे हैं कि बीजेपी के तूफान